मानसरा की तहसील बालाकोट का सियाती मकाम भूंजा यूसी कोवाई। स्वाति बरादरी ने वो काम कर दिखाया जो सूबाई व मरकजी हुकूमतें न कर सकती। 50 लाख रुपए की लागत से अपनी मदद आपके तहत सड़क निकाल ली। केदार आजम खान स्वाति ने कोठियाला और कश्मीर पॉइंट रोड बनाई जिस पर 3 माह का अरसा लगा। सड़क तामीर मुकम्मल पर हलाका मकीन खुशी से झूम उठे। बच्चे बूढ़े और जवानों ने ढोलक की थाप पर रक्स किया और मिठाइयां तकसीम की, गले में फूलों के हार डाले। इफ्तिताह के मौके पर जीप रैली निकाली और मुसर्रत का इजहार करते हुए ठेकेदार आजम खान सवाथी अहबूंजा कहते हैं, ये रोड चला जाए और ये लोगों को कोई रोजगार मिलेगा। अब बैठे हैं, पहले हम पुर्जा वाली माली के रोड बचाएंगे। ये हमारा तकरीबन 2.5 महीने लग गया, तकरीबन 50 लाख हो गए। ये हमारे अपनी मदद आपकी है, बरादरी ने किया, उमर गैब भाई ने हमारे साथ तावन किया है। यार ये बरादरी खड़ी है, मेरा अगर खून भी लग जाए, मेरी जान भी लग जाए, मैं आपकी बरादरी के और अपने गांव के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तानी समझा ही नहीं है। गवर्नमेंट देखो, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उधर असेंबली में बैठे हुए हैं, वो हमारे लोग हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ज्यादती की है। साहब, ये भुंजा एक ऐसा गांव है ना, इसके साथ सारी जिंदगी ज्यादती है। हमारा वही रोड जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है आज तक, बोलिए, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी नहीं है, या तो हमें कश्मीर के साथ तक किया जाए। मनीर खान स्वाति ने DMM न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, फायदा हो सी सबको, इलाके की तरक्की चाहे, और गवर्नमेंट पाकिस्तान 16 साल इससे पहले कोई ताहल नहीं किया, सोतेली बाबू वाला सलूक किया सा। सामने वाला रोड है, बनाने में मदद करने में नजर सलाम, जो हमारे मेंबर भी रह चुके हैं उसके साथ जुबार खान, वहाँ तक जो डेरी नाम है वहाँ तक सारा पैसा नजर सलाम और इन लोगों ने खर्च किया है। उन्होंने जंगल वालों को रेंज अफसर के पास गए, DFO के पास गए कि भाई इन रोडों को बंद किया जाए, ये जंगल है, ये खुद तो कर नहीं सकते थे, खुद तो उनमें इतनी जरूरत नहीं है कि भाई वो हमारे सामने आकर ये बोले कि तुम रोड ना निकालो। आ रहे हैं तो सियासियों को क्या तकलीफ है? सियासियों को चाहिए कि 50 साल से कितनी अरसा से इधर सियासत करते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, और उनको चाहिए रोड बना कर देना। जितना रोड आया सब हमारा मिल्कियती रकमे में आया, 50 साल हो गया हम लोगों के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करते हैं। और ये रोड हम जो निकाली है, बहुत खुशी हुई, 2 रोडें निकल गई, एक मेरे मामू की है और एक चाचू की है, दोनों रोडों की है। जहाँ भी टूरिज्म के हवाले से बात होती है वो हर जगह कवरेज के लिए पहुंच जाते हैं। आज उन्होंने हमें पूरा दिन, कल से हमारे साथ हैं, हमारे भाई साथ हैं, उन्होंने हमारे इस विलेज की, इस भूंजा विलेज की खूबसूरती देखी कि कैसी जगह है, और एडवेंचर के लिहाज से ये कैसी जगह है कि ताकि जो बंदे पूरी के में जो एडवेंचर बॉयज हैं जिनको चाहिए कि वो आके अपने टूरिज्म को सपोर्ट करें और इधर जाएं और इस जगह देखें कि कैसी खूबसूरत है। और इसके साथ साथ मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ, आपने जो हमारे इस टाइम हुकूमत में बैठे मेहमान हैं, कि भाई ये जिस जगह ये आपने लवारत छोड़ी हुई है, ये हम कश्मीर के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, 5 किलोमीटर साथ आप बता सकते हैं, ये साथ मुजफ्फराबाद लग रहा है पीछे। इधर हमारी रोड एक बरुज की और दूसरे कोठियाली की, इधर से हमको किसी ने भी मसलन सियासी ने हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे वसाइल थोड़े से कम थे, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक रोड अभी काम लगा हुआ है। अक्सर यही कहा जाता है कि वहाँ से इंडिया आपको नजर आता है और इंडिया कोई मीनार है जिसको लाल किला कहा जाता है। आजम खान साहब भाई हैं और बाकी पूरी उनकी टीम है, ये एक अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने, यहाँ हमारा इलाका नाराज शोंगराम और बाकी दीगर एरिया से काफी खूबसूरत है, लेकिन सहूलियात न होने की वजह से यहाँ टूरिज्म और बाकी मामलात नहीं। मेरा नाम इफ्तिखार स्वाति है, इस गांव भूंजा से मेरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का इवेंट जो है इसमें सबसे पहले मैं इन सब भाइयों का, जो गांव के मजदूर हैं, गांव के नौजवान हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ा अहम और खुशी का दिन है। मैं आपके तौर से गुजार साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, और तकलीफ थी, रास्ता थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आप लोग पहुंचे, ये आपके लिए भी एक बड़ी बात है। तो आपके तरफ से मैं ये बात कहना चाहूंगा, तो KPK में भी इस तरह की इतनी बड़ी अचीवमेंट, आपको इतनी बड़ी प्रोग्रेस काम की, जो अपनी मदद
ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہوئی ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. لوگوں کا ایک جذبہ تھا اور انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, انہوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے, تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہ سامنے آپ کو گاؤں نظر, وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ بھی روڈ پہنچ گیا ہے, اور اس طرح یہاں پہ یہ سامنے پایا ہے, ہم پائے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں, تو یہاں سے آپ ایک پائے کو, یہ پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت سیزنس پارک بن سکتا ہے. روڈ جی بورجا روڈ کٹی روڈ جی کشمیر پوائنٹ, کشمیر پوائنٹ کٹی جی جی. کیا بڑی مدد آپ سے آزم خان نے اور تاج خان نے, شیر خان سواتھی, اشتیاق خان سواتھی, افتخار خان اور سابق ناظم ارشاد محمد سمیت دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے, لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سڑک ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی, اس میں حکومت پاکستان کے کسی نمائندے کا کوئی کردار نہیں, بھونجا پسماندگی کی تصویر بن چکا ہے, ہمارے ساتھ صوبائی و مرکزی حکومتیں سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتی ہیں. تقریب نمائندوں کو چاہیے کہ وہ جب ووٹ لیتے ہیں تو ان لوگوں کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, کیمرہ ٹیم گلفراز عبدل کے ساتھ میرا گلزار, ڈی ایم ایم نیوز.